नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्यूरिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पर मैंने कई बार आप लोगों के साथ चर्चा किया है कि अगर स्टॉक मार्केट से आप लोग 100 टाइम 200 टाइम्स रिटर्न कमाना चाहते हैं, ठीक है, जो कि सपना होता है हर इन्वेस्टर का, मेरा भी ड्रीम है। जब मैं स्टॉक मार्केट में स्टडी किया आया तो मेरा भी ये ड्रीम बना कि पॉसिबल है, और कई सारे मैंने एग्जाम्पल का वीडियो बनाकर शेयर का मैंने आप लोगों के साथ स्टॉक का आप लोगों के साथ शेयर भी किया, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कई बार इस बारे में वीडियो बनाकर रखा हूं कि फ्यूचर के कुछ सेक्टर्स हैं, फ्यूचर के सेक्टर्स में जिसमें अगर इन्वेस्ट करें आप तो आने वाले वक्त में 100 गुना क्या आपके कंपनियों का, आपके स्टॉक का 1000 गुना तक का भी, 2000 गुना तक का भी रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, उसमें से कुछ सेक्टर है जैसे इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन्स, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी। आज हम लोग जो बात करेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे। मैं लार्ज कैप कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियों की बात कर रहा हूं जिसका नाम अभी शायद बहुत लोग नहीं जानते या मार्केट में उतना ज्यादा फेमस नाम नहीं है, लेकिन इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि आपके पैसे को, छोटे से भी अमाउंट को, आपके 10K 20K अमाउंट को भी आने वाले 10 से 15 साल में ये कंपाउंडिंग के तौर 1000 गुना कर सकने का दम खम रखती है। दोस्तों, आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, आपका पूरा राइट है कि आप मेरी बात से डिसएग्री करें, लेकिन क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा मार्केट और स्पेस ओपन है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और जाकर मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जो जो स्टॉक का मैं नाम बता रहा हूं दोस्तों, आप जाकर उनके वेबसाइट पर उनको चेक करें कि मेरी बात में कुछ दम है या मैं ऐसे ही बकवास किए जा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट का आप अपना कोई आइडिया लीजिएगा या कोई डिसीजन लीजिएगा, विदाउट सेल्फ रिसर्च ना कीजिएगा कोई भी। चलिए, मैं आपको पहली कंपनी जो बता रहा हूं मैं दोस्तों, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिकल बस बनाने के नाम के लिए जानी जाती है, ठीक है। दोस्तों, आज के डेट में देखिए इसकी क्लोजिंग प्राइस, और इस स्टॉक के बारे में नहीं भी तो मैं 20 वीडियो बनाकर अपलोड कर सका। जब यहाँ पर न्यूज आई थी रिलायंस के साथ टाई अप की, जब ये 200 डेज के ऊपर जाकर सस्टेन कर रहा था तब, जब ये कंसोलिडेट हो रहा था तब, जब यहां से ये निकला तब, जब ये ब्रेकआउट किया यानी इस कैंडल 800 के आसपास, तभी मैं कंटिन्यूअस इस पर वीडियो बना रहा हूं। और मैं इंकरेज कर रहा हूं आपको कि आप इस पर नजर बना के रखें, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डिफेंस सेक्टर की कंपनियां में काम करने वाली कंपनियां को आप नजर बना के रखें। यहां दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक इलेक्ट्रिकल बस और हाइड्रोजन बस बनाने वाली कंपनी है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेक्टर में और भी कई सारे प्रोडक्ट और सर्विस देती है, तो आप इस पर नजर बना के रख सकते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि अभी जाकर इस प्राइस पर जाकर आप इन्वेस्ट कर ले, नहीं दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि आप पहले रिसर्च करें, अपना रिसर्च करें, क्योंकि ये अब अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट की तैयारी कर रही है। देखिए, जो प्रीवियस इसका प्राइस था यही 950 के आसपास में था, और वहां से इसके अंदर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो कि 50% ये टूटा, जो कि हर स्टॉक के साथ होता है, कई सारे स्टॉक के एग्जाम्पल है। लेकिन उसके बाद से फिर ये भागना शुरू किया तो अगेन वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया। या तो यहां से ब्रेकआउट देगा, ठीक है, या फिर ब्रेकआउट फेल होकर नीचे की तरफ आएगा, तो उस प्राइस पर आप जब स्टेशन पर मिले, यानी कि जब ये मूविंग एवरेजेस के पास मिले, 700 के आसपास मिले, तो आप इसमें एंट्री बना लेना दोस्तों। चलिए, ये तो हुआ, मैं एक कंपनी का नाम बताया। मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इस पर रिसर्च खुद करें, या आपके जो भी जानने वाले दोस्त इन्वेस्टर हैं या सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस कर ले। दूसरे स्टॉक पर मैं लेके चलता हूं, वो भी इसी फील्ड की एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन वहां पर जाने से पहले एक अपील दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, और कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। बेल आइकन बटन दबा के रखें ताकि जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करें आपको टाइम पर मिल जाए और आप वॉच कर सके। या दोस्तों, इसी फील्ड की दूसरी कंपनी है जो मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड विजार्ड मोबिलिटी, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी की। अभी इसे स्टॉक का रिबाउंड चल रहा है यानी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। एक टाइम पर इसने 100 रुपया का अपना हाई बनाया था, जैसे दुनिया के हर स्टॉक के साथ होता है वैसे इसी स्टॉक के साथ भी हुआ। इस स्टॉक के अंदर जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और प्रॉफिट बुकिंग देखने के बाद ये अब अपने आप को अपने ऑल टाइम लो के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये देख सकते हैं, यही वो प्राइस जोन है जिस पर ये टेंटली अपने आप को सपोर्ट पा रहा और ये अपने आप को सस्टेन किए हुआ है। ये नॉर्मल है स्टॉक में,
ठीक है, छोटी सी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, और अब इसके अंदर ठीक है बाउंस बैक आने की पूरी ऐसा, जैसे आप ये चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ठीक है एक ही प्राइस के पास ये बार बार कंसोलिडेट हो रहा, सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ जाना जाता खिसकता हुआ दिख रहा है। एट प्रेजेंट ये 51 रुपया के प्राइस पे है, यानी 100 रुपया के हाई से हम कंपेयर करेंगे तो 50% के अभी भी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, मैं इसमें अभी भी नहीं आपको बोल रहा हूं कि जाकर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं दोस्तों, मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं कि आप वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी की वेबसाइट पे जाइए, इनका बिजनेस चेक कीजिए, इनका रिसर्च कीजिए इनके ऊपर। अगर आपको इस कंपनी पे कन्विक्शन लगे, अगर आपको ट्रस्ट हो इस कंपनी पे कि हाँ मेरे पैसे को ये कई गुना कर सकता है, तो मैं आपको ज्यादा का नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1% से 2% मैक्सिमम आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करके 10 से 15 साल के लिए छोड़ सकते हैं दोस्तों आप, ताकि कंपाउंडिंग होने के लिए टाइम दीजिए, कंपाउंडिंग होने के लिए स्टॉक को आपको पैसा कमाकर आपके इन्वेस्टमेंट को पैसा कमाने के लिए टाइम देना जरूरी है दोस्तों, बगैर टाइम दिए तो नहीं हो पाएगा। तीसरी कंपनी पर मैं आपको लेकर चलता हूं जो कि कॉम्बो पैकेज है, ड्रोन्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कॉम्बो पैकेज है दोस्तों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रत्तान इंडिया इंटरप्राइजेस की, जो कॉम्बो पैकेज है ड्रोन्स बनाने की और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की। इनका दो बाइक है, ठीक है, जिसको रिवोल्ट के नाम से है। मेरा उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इनके पास होगा भी, या नहीं तो आपके घर में या आपके दोस्तों वगैरह के पास होगा ही। तो ये कॉम्बो पैकेज समझिए एक तरह का है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में भी है और ड्रोन्स मेकिंग में भी, इसलिए ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि दोनों तरह के ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। देखिए आज के डेट में ये 38 रुपया के आसपास है, इन्होंने लो बनाया था 32 का अपना, और उसके बाद से ये इस प्राइस जोन से नीचे ही नहीं जा रहा है। और ये कंसोलिडेशन देखिए, ये कितने दिन का कंसोलिडेशन है, अप्रैल से लेके ये महीना जून हो गया, यानी अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून में हम लोग आ गए हैं, 20 जून के आसपास आ गए, यानी कि 2 महीना 20 दिन का एक कंसोलिडेटेड प्राइस है। और प्राइस किसी भी एक कैंडल पर नहीं देखेंगे कि यहां से नीचे जा रहा है, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप जाकर इन्वेस्ट कर दे। अगेन मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इनके वेबसाइट पर जाएं, इनका रिसर्च करें, आप इनको प्रोडक्ट का रेंज चेक करें, इनका इनका फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टडी करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें दोस्तों। और जब आप देखेंगे कि ये कितना हाई बनाया था एक पीरियड पे, तो आप देखिए इनका हाई बना था 70 रुपया का, ठीक है, 70 रुपया का बना था, और उसके बाद से स्टॉक में जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, जो कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे ज्यादा पेनफुल टाइम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन। जो इन्वेस्टर इस पेनफुल टाइम को बर्दाश्त कर लिया या सस्टेन कर लिया, वही इन्वेस्टर आने वाले वक्त में 1000 गुना 100-1500 गुना रिटर्न इंजॉय करता है दोस्तों। तो ये तो आपको बियर करना पड़ेगा, इतना दुख तकलीफ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा क्या कमाना इतना आसान है, ठीक है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यह है कि जब यह स्टॉक भागना शुरू करता है तो आप चाहोगे भी तो नहीं पकड़ पाते हो। ये सब स्टॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब भागना शुरू करता है तो रिटेल इन्वेस्टर चाहे भी तो नहीं पकड़ पाता है। फिर भी मैं आपको अगेन एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद कर लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लें, चाहे कितना ही अमाउंट का क्यों ना हो आपको। थैंक यू।